महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने सैटरडे मार्केट की तरफ ध्यान दिया और उनके ध्यान देने की वजह से यहाँ पे सैटरडे मार्केट नहीं लग पा रहा है और लोग जो है आम जनता जो परेशान थी उसको कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ मीरा नर्सिंग होम गली, जहाँ पे सैटरडे मार्केट लगता था, यानी कि मीरा नर्सिंग होम गली, वहाँ पे हूँ। यहाँ पे एक बोर्ड मैं दिखाऊंगा, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया, आदेश दिया गया कि यहाँ पे किसी भी तरह का, यानी कि कोरोना चल रहा है, ओमिक्रॉन चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे किसी भी तरह का बाज़ार लगना के लिए मनाही है। और कहीं ना कहीं उसका पालन करते हुए वार्ड क्रमांक 5 के जो MBMC अधिकारी हैं वो खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड लोग देख सकते हैं, इसके साथ साथ नया नगर की पुलिस भी जो है साथ में है। तो आज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा देखिए आप, एकदम पूरा खाली है, यानी यहाँ पे कोई भी नहीं, मतलब लोगों को जो आने जाने में तकलीफ़ हो रही थी वो नहीं। पिछले सैटरडे भी हमने न्यूज़ दिखाया था, तो पिछले सैटरडे भी जो है ये ऑफिसर्स पूरे दिन खड़े रहे, यानी इनका अभी कैसा हो गया है कि ये सुबह 9-10 बजे आते हैं और शाम को 6 बजे के आसपास तक ड्यूटी करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट नहीं लग पाता है। हालांकि रोज़ के मार्केट से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वन डे मार्केट जो लगता है सैटरडे मार्केट, उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है और क्राउड की वजह से स्थानीय लोगों को चलने फिरने में भी तकलीफ़ होता है। और अगर दूसरी बात ये करें हम कि अभी ओमाइक्रॉन और कोरोना चल रहा है, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये जो मार्केट है वो फिलहाल तो नहीं लगना चाहिए। तो बोर्ड तो ऐसा ही है कि आने वाले दिनों में जो है, अब जब तक ये दूसरा आदेश नहीं आता है तब तक जो है यहाँ पे मार्केट नहीं लगेगा। और ये दो सैटरडे हो गया, पहला लास्ट सैटरडे भी मार्केट नहीं लगा था और इस सैटरडे में। इस मामले में मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने सैटरडे मार्केट की तरफ ध्यान दिया और उनके ध्यान देने की वजह से यहाँ पे सैटरडे मार्केट नहीं लग पा रहा है और लोग जो है आम जनता जो परेशान थी उसको कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।